So in this video, we're going to speak about ear and more about how people lose balance because of the ear. मैंने बोला था ना कि balance lose कर जाते हैं कानों की वजह से और आप बोलेंगे यार कान और balance का क्या connection है? Well, inside our ear there is liquid and वो liquid की वजह से आपका balance रहता है. अगर आपका कान आपको balance करना छोड़ दे या वो liquid dry हो जाए तो आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे, आप प्रॉपरली चल नहीं सकेंगे. इनफैक्ट आपको पता कैसे लगेगा, जैसे अर्थक्वेक हो रहा है. दैट्स एग्जैक्टली द फीलिंग दैट यू हैव कि पूरा बैलेंस लूज कर रहे हो और सारा कुछ आपके आसपास हिल रहा है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं और थोड़ी सी आपको केस स्टडीज दे देते हैं. सो द फर्स्ट केस स्टडी इज अबाउट अ मैन हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. And he came down to India. He is from Germany. And बहुत मज़ा आया उनको देख के कि वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी वर्कशॉप चलाई और शायद उनको लगा था कि we as Indians will not accept what he has to give us. Unconventional approach थी उनकी, आँखों के बारे में बात कर रहे थे and how every part of the eye is connected with different body, different emotions. और उन्होंने उसके बीच में टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल किया कि हाउ टैरो कार्ड्स आर आल्सो कनेक्टेड विद डिफरेंट आई प्रॉब्लम्स. न्यूमरोलॉजी को भी उन्होंने कनेक्ट किया, कबाला को कनेक्ट किया आई प्रॉब्लम्स के साथ. हुआ क्या कि क्लास में सबने बोला वाह मज़ा आ गया, ऐसी क्लास हो तो मज़ा आ जाए. बस उन्होंने ये सुना, ही हर्ड वॉट ही वॉन्टेड टू हियर. कितनी देर तक उनको जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वहां पे ये एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी. अब एक्सेप्टेंस तो मिल गई पर उस रात वो सो नहीं पाए. वो सोए, नेक्स्ट डे सुबह आके मुझे कहते हैं कि कहीं आपके घर में भूत तो नहीं है. मैंने कहा क्या? कहते हाँ कहीं आपके घर में भूत तो नहीं है, रात भर ना मेरा बिस्तरा हिल रहा था. नाउ आई रियली लुक्ड एट हिम एंड सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. No, there was really an earthquake and I wanted to wake you up. So, because he is my teacher, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने उनकी तरफ देख के कहा, okay, never mind, ठीक है, he must be saying something. Next, वो वहाँ नहीं रुके, उन्होंने सारे newspaper छांट मारे और internet पे तो definitely गए ये देखने के लिए कहीं मुंबई शहर में earthquake तो नहीं आया था. ना तो कहीं earthquake था, ना कुछ हुआ था. ये अर्थक्वेक उनके अंदर था और ये अर्थक्वेक इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये सुन लिया था जो वो सुनना चाहते थे. मतलब जब आप ये सुनोगे जो आप सुनना चाहते हो तो आप ऑफ स्ट्रेस हो जाओगे और जैसे ही आप ऑफ स्ट्रेस होगे आप बैलेंस लूज कर जाओगे. है ना अजीब? जब तक हम वो सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए कुछ नहीं हुआ. जैसे ही हमने वो सुना, अपने आप से बात करी कि वाह लोगों ने तो हमें प्रेस कर दी, वो सुन नहीं पाए और उनकी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो गया. अब कैसे मालूम पड़ा कि वाकई ये प्रॉब्लम है? जब वो इंडिया छोड़ के जर्मनी पहुँचे तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनका मुझे फ़ोन आया, अनु इंडिया में नहीं अर्थक्वेक था, मेरे अंदर का अर्थक्वेक था. और मेरे अंदर का अर्थक्वेक ये था कि मैंने वो सुन लिया जो मैं जिंदगी भर सुनना चाहता था कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई. अब आप अपने अपने सोचिए, अपने अपने जिंदगियों में झांक के देखिए कि कहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिल गई जो आप बैलेंस खो गए. एक और आपको केस स्टडी देती हूँ. ये इंसान अपने उस फादर के साथ मिलके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. और बिजनेस क्या है? वो जो कोर्ट्स क्रिएट करते हैं, प्ले जो लोग प्ले क्रिएट कर स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए. और ये जो प्रोफेशन है बहुत नया था. कुछ साल पहले उनके फादर के साथ उन्होंने बैठ के ये प्रोफेशन क्रिएट किया था. उनके फादर और वो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके के लोग हैं, उन्होंने कभी कोई घपला किया नहीं. बिजनेस आपको पता है इंडिया में ऐसे तो चलते नहीं. खैर थोड़ा बहुत तो आपको टेढ़ा होना पड़ता है, लेकिन इस इंसान को टेढ़ा होना पसंद नहीं था. बहुत साफ तरीके से अपना काम करते थे. उसके बावजूद कुछ 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनकी जगह पे रेड कर दी
और उनको ये कहा गया कि आप अपनी सारा शट डाउन करें, हम एक एक फाइल के थ्रू जाएंगे, जो उनके प्रोसेस होता है वो पूरे फाइल्स के थ्रू गए और इनको काफ़ी ये अपने आप से क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉक नहीं जिसे बोलते हैं, अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं बहुत ख़राब इंसान हो गया हूँ, मैं देखो अपने आप को बचा नहीं पाया, मैंने शायद कुछ ऐसा किया होगा, लोग मेरे को इतना शरीफ समझ नहीं रहे, मैंने सारी ज़िंदगी शराफत से काम किया फिर भी लोग मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हैं, कहीं गड़बड़ रह गई। अब क्या हुआ, 10-15 दिन ये सब चलता गया, आफ्टर 15 डेज ही लेफ्ट फॉर जर्मनी, ये भी जर्मनी गए थे और शायद कुछ जर्मनी में ना हो, बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ही वेंट देयर एंड ही गॉट डाउन एंड ही हैड अ फेयर टू अटेंड, एन एग्जीबिशन टू अटेंड, वेयर इन ही वॉज सिटिंग डाउन एंड एन अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद ऑल अदर पीपल, जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। सडनली इनको लगा कि लोग इनकी तरफ देख के बोल रहे हैं कि वाओ यू आर अमेजिंग, यू डन एन अमेजिंग जॉब इन इंडिया, ब्रिलियंट। बस उन्होंने ये सुना नहीं और उनके बैलेंस खोया नहीं, ही फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग थ्रू अ सिवियर अर्थक्वेक एंड ही कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप समझ गए हैं इसका मतलब कि या मैंने वो सुन लिया जो मैं सुनना नहीं चाहता, या फिर मैंने वो सुन लिया जो मैं सुनना चाहता हूँ, बस इसी कश्मकश के बीच में आपका बैलेंस खोया। Go and have a look as to where you have to deal with which conflict in your life. If you enjoyed this, please do go on our blog. There's a lot more information about this episode, about more. There's an article that's coming up on this. Please go and have a look at what Vertigo is and make sure that you clean your conflict. Thank you so much for watching this. Please do go on our blog anumehta.co.in. Thank you.